प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलसूत्र के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार यानी 23 अप्रैल को पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मेरे धर्म ने किसी से नफरत करना नहीं सिखाया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में कहा कि मुझे अफसोस है कि हमारे वजीर आजम ने ऐसी बात बोली है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मुसलमान कभी भी किसी बहन का और किसी की माँ का मंगलसूत्र छीनेगा। मैं भी मुसलमान हूँ पर मेरे धर्म ने मुझे दूसरे से नफरत करना नहीं सिखाया। दरअसल फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो एक देश के चुनाव की बात करते हैं जिसका मकसद देश के संविधान को बदलना है। एक इलेक्शन करके पुतिन की तरह जिंदा रहने तक एक प्रधानमंत्री होगा और उसके बाद कोई और। ये लोग इलेक्शन कराना नहीं चाहते जिसकी नींव मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया बदलने से साफ हो गया। ये कैसे 2047 की बात करते हैं और कैसे कर सकते हैं? क्या ये 2047 में होंगे? दरअसल पीएम मोदी ने हाल ही में कहा था कि अर्बन नक्सलवादी सोच, मेरी माताओं बहनों ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, इस हद तक चले जाएं। राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस का घोषणा पत्र कह रहा है कि वो माताओं बहनों के सोने का हिसाब करें, उसकी जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट दें और उनको बांटेंगे जिनके बारे में मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुस्लिमों का। उन्होंने आगे कहा कि पहले जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति का पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये कि संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।